दुर्घटना के लिए लोगों को विवश करना काम है मेरा, अनसेफ एक्ट नाम है मेरा। दुर्घटना के लिए विवश करना और लोगों को उत्साहित करना काम है मेरा, दुर्घटना के लिए विवश करना काम है मेरा, अनसेफ कंडीशन नाम है मेरा। सभी दुर्घटनाओं का कारण हूं मैं। सभी दुर्घटनाओं के पीछे होने वाले, हर दुर्घटनाओं के पीछे होने वाले कारण का असली कारण मैं होता हूँ। दुर्घटना कायम रहे, मेरा कायम रहे। तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं मेरे बच्चे, और मैं यहाँ बहुत चिंतित हूँ। चिंतित क्या हुआ पिताजी? हाँ हाँ, मैं चिंतित हूँ क्योंकि यहाँ एक ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम RCCPL कुंदनगंज है। RCCPL कुंदनगंज? हाँ हाँ, RCCPL कुंदनगंज। वहाँ कई वर्षों से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसके कारण हम लोग, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हम लोग भूखे मर जाएंगे मेरे बच्चे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे पिताजी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आज ही RCCPL कुंदनगंज पर आक्रमण करेंगे, आतंक मचा देंगे, आतंक मचा देंगे। तुम लोगों पर मुझे फक्र है मेरे बच्चे, जाओ और RCCPL कुंदन पर आक्रमण करो, और हाँ साथ ही अपनी बहनों को भी ले जाना। जी पिताजी। कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। बहना कहाँ हो तुम, आ जाओ। जान कर भी लोग मुझे रिपोर्ट करते नहीं और प्यार से मुझे मिस नहीं, नियर मिस बुलाते हैं, नियर मिस। भैया हाँ, कैसे है आपकी बहना? आज पिताजी का कहना है कि RCCPL कुंदनगंज पे चल के अभी आक्रमण करना है। RCCPL कुंदनगंज? हाँ बहना, हम RCCPL कुंदनगंज नहीं जाएंगे। क्यों बहना? अरे तुम्हें पता है, पहली बात तो वहाँ पे सब मर्द काम करते हैं, मर्द। अरे सब लोग मुझे छेड़ते हैं। अरे वो दिनकर तो जब देखो कैमरा लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है पूरा। और पता है, सिर्फ खुद ही नहीं फोटो खींचता, उसने चार चार मुस्टंडे पाल रखे हैं फोटो खींचने के लिए। हाँ, अरे पता है, वो फोटो लेके व्हाट्सएप करता है, मेल करता है, सबको सीसी में लेके रखता है मुआ। मेरी इज्जत तो उसने ऐसी ले रखी है कि पूछो मत। हमें नहीं जाना RCCPL, हम नहीं जाएंगे भैया RCCPL। उसका भी जांच होगा। अरे क्या खास जांच होगा, जब इज्जत ही लुट जाएगी तब क्या होगा।
सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी रेस्टोरेंट करना है। चलो चलते हैं आरसीसीपीएल कुंदनगंज। ठीक है आप इतना कहती हैं तो हम एक बार चल के देख लेती हैं। चलो चलो भैया चलो। आज तो यही काम करना है। प्रोडक्शन मस्ट पर सेफ्टी फर्स्ट। इस क्लियर थिंकिंग के साथ काम करना है। अगर काम पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए तो सही समय पर खत्म कर सकते हैं। अरे पीपीस तो पहनना बहुत जरूरी होती है। ये हमारा सेफ्टी के लिए होती है। चलो अभी मशीन चालू कर लेता हूँ। यहाँ पे तो बहुत सेफ्टी है। सब सेफ्टी से काम चल रहा है। अभी इनका बैंड बजाते हैं। चलो बहना जरा अपना जलवा तो दिखा। अभी दिखाते हैं हम अपना जलवा। अजी सुनते हो जी। अजी थोड़ा तो सुन लो ना। अजी थोड़ा तो सुन लो। ये कैसे गिरा? कहाँ से गिरा? किधर से गिरा? मुझ पर गिरता तो एक्सीडेंट हो जाता। ये तो नियर मिस था। कल के सुबह ऐसे छोटे छोटे नियर मिस से बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी इसी का हमारा सेफ्टी ऑफिसर सर को तो तुरंत रिपोर्टिंग कर देने का। हेलो सर। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ सर। पैकिंग प्लांट में मैं काम कर रहा था, मेरा बाजू में सर एक मेटेरियल गिर गया। सर मैं तो सर रिपोर्टिंग कर लिया और सर आपको भी बता रहा हूँ, कृपया इसको नोट कर दीजिए और ये चीज कनेक्ट में डाल दीजिए सर। जी सर। थैंक यू सर। ओके सर। देखा ना भैया, करवा दी ना रिपोर्ट, लिखवा दी ना रिपोर्ट। मैं कहता था ना उस मुहे ने बड़ा तगड़ा इंतजाम कर रखा है। मुझे नहीं जाना है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई। अभी मैं दिखाता हूँ अपना जलवा। अभी मेरा वार कभी खाली नहीं जा सकता। मैं उसको ऐसे मजबूर कर दूंगा, ऐसे ऐसे अनसेफ कंडीशन बनाऊंगा कि वो मजबूर हो जाएगा एक्सीडेंट करने के लिए और उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। ओ मीम क्लीन चामुंडाए। अरे मेरा टूलबॉक्स कहाँ रखा था? ठहरो, काम करने से पहले क्या तुमने अपने आसपास अनसेफ कंडीशन को नोटिस किया? अरे सही बात है, काम करने से पहले तो अपना आसपास एरिया का पहले सभी से पहले पूरा देखना कोई अनसेफ कंडीशन है क्या, उसके बाद ही काम शुरुआत करना चाहिए। देखा भैया फिर करवा दी रिपोर्ट, फिर लिखवा दी रिपोर्ट। जो पची खुची इज्जत थी वो भी इस मुहे ने ले ली मेरी। नहीं मेरा वार कभी खाली नहीं जा सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरी कल्लो बहन, मेरे भाई चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ भाई? मैं कुछ करता हूँ और मैं चालू मशीन को बंद कर देता हूँ। जैसे वो अपना हाथ डालेगा मशीन के अंदर, एक-एक में मशीन को चालू कर दूंगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ओम चुरोसो। अरे ये मशीन से कैसे आवाज आने लगी? लगता है अंदर कुछ फंस गया। ठहरो, क्या चालू मशीन पर हाथ डालने से पहले इमरजेंसी बटन दबाया, लोटो लिया? अरे ये तो सही बात है, कोई भी चालू मशीन पे हाथ नहीं डालना चाहिए, उसके पहले इमरजेंसी स्विच बंद करना चाहिए। अगर कोई मशीन में बड़ा प्रॉब्लम है तो उससे पहले लोटो परमिट लेके ही काम करना चाहिए। देखा भैया, ये भी वार खाली करवा दिया। हम तो सोची थी बेचारा लकड़ा होके ऐसे ऐसे भीख मांगेगा, फिर से ये वार भी चला गया। ऐसा कौन सी ताकत है जो इसको बचा रही है? चलो उसी से पूछते हैं। हाँ भैया ये ठीक रहेगा, इसी से चल के पूछ लेती है। अरे तुम तीनों भी आ गए। अभी तुम्हारा करेक्टिव एक्शन और करेक्टिव मेजर भी लिया था। एक्शन लिया था तो क्या हुआ? हमारे पप्पा ने बोला था ना कि वहाँ जाके दो तीन
छोटे छोटे एक्सीडेंट कराना है एक्सीडेंट। हाँ, हमें जानने आए हैं कि ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा बंदा है जो तुमको बचा रहा है। हर हमारा नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, सबको बाहर खाली जा रहा है। कौन है जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें यही जानना है। अच्छा, तुम जानना चाहते हो हमारे अंदर रहने वाला सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा लक्ष्य, नाम है सेफ्टी मैन, सेफ्टी मैन, सेफ्टी मैन। अरे भैया, अरे भैया, इस मुए में तो सब कुछ पहन रखा है, सब कुछ। सुरक्षा की आन हो, हर कर्मचारी का विश्वास हो, नाम है सेफ्टी मैन, इन तीनों का विनाश हो। मैं कोई अवतार नहीं, ना ही कोई देव शक्ति हूँ, मैं तो सुरक्षा के सिर्फ पांच तत्वों से बना हूँ। पांच तत्व? कौन से पांच तत्व? पहला पीपी, पीपी, दूसरा नॉलेज, बिहेवियर सेफ्टी, वर्क परमिट, हाउसकीपिंग। नहीं, चुप। कहा था ना भैया, मुझे नहीं जाना है। जसील बहना, जसील। जो भी कर्मचारी इन पांच तत्वों के साथ अपना काम करता है, वो अपने आप में सेफ्टी मैन कहलाता है। मुझे पूरा विश्वास है आरसीसीपीएल का हर कर्मचारी, एक एक कर्मचारी सेफ्टी मैन है। देखा, देखा, मैं तुम तीनों लोग को बोला था, अभी तुम्हारा खात्मा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये क्या हमारा खात्मा करेगा, अभी हम इसकी खात्मा कर देंगे। इसकी मजाल जो हम तीनों को मारे, ये लो, ये, ये। अजी सुनते हो, इस मारपीट में क्या रखा है, आओ ना थोड़ी सी सुरक्षा से काम करेंगे, और दोनों छोटे छोटे शक्ति मैन, सेफ्टी मैन इकट्ठा करेंगे ना। सेफ्टी मैन, सेफ्टी मैन, सेफ्टी मैन। अभी हम सेफ्टी टीम की तरफ से आप सारे लोगों को हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहीं पे हमारा एक्ट खत्म होता है, भूल चूक माफ करना। धन्यवाद।